गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं एक न्यू लव स्टोरी जिसका नाम है ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो अवनी रहती है वो अपने पापा के लिए एक वेलकम पार्टी रखती है, जिस पार्टी में उसके काफ़ी गेस्ट आते हैं। पर अवनी की एक आदत रहती है, अवनी इतनी आसानी से घुल मिल नहीं पाती है और उसे उतना शोर शराबा पसंद नहीं रहता, इसलिए अवनी एक कोने पर जाके वहाँ खड़ी रहती है। अवनी जब वहाँ खड़ी रहती है तो थोड़ी देर में उसकी मॉम आती है और आकर उसे बोलती है कि बेटा, पार्टी अंदर चल रही है एंड व्हाई यू आर स्टैंडिंग हेयर। तो अवनी बोलती है, मॉम मुझे पार्टीज़ पसंद नहीं है, कि तो डैड का वेलकम पार्टी है, उनकी रिटायरमेंट हुई है तो इस वजह से सबको बुलाया गया है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी मम्मी उसे खींचते हुए लेके जाती, जब तब लोगों से घुलोगी मिलोगी नहीं तब तब लोगों को जानोगी कैसे, एंड प्लीज़ चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर नेचर, ये ऐसे नहीं चलेगा अवनी। ऑल द टाइम लोगों से कट ऑफ होकर जिंदगी नहीं जी जाती है, जस्ट कम इनसाइड। और ऐसे करके वो अंदर लेकर जाती हैं। अवनी जब अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए रहते हैं, मीन्स लाइक यंगस्टर्स कम रहते हैं बट ओल्ड एज वाले ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं वो सब उसके पापा के दोस्त रहते हैं, कुछ रिलेटिव्स रहते हैं तो कुछ दोस्त रहते हैं, और सबके सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। अवनी जो होती है वो सबको देखती है, मिलती है, और आंटी उसे बार बार ले लेके जाकर उसे सबसे मिलवा रही थी। अवनी क्या करती बेचारी, सबको हेलो आंटी, नमस्ते आंटी, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, यही पूछती जा रही थी, किसी के तो पैर भी छू रही थी। और वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिनका नाम रहता है सक्सेना, और जो अवनी रहती है वो अवनी श्रीवास्तव रहती है। तो सक्सेना फैमिली वहाँ पर जब आती है तो जैसी अवनी उनके झुकती है और उनको करती है, वहाँ पर वो जो लेडी रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर उसे वो उसे गले लगाती है और बोलती है, बेटा लड़कियाँ ना हमारे यहाँ गले मिलती हैं, बेटा पैर नहीं पड़ती हैं। जी आंटी, अवनी बहुत प्यार से देख रही रहती है। आंटी को अवनी बहुत पसंद आती है, अवनी बस आंटी को नमस्ते करके साइड पे हो रही रहती है। जो अवनी के पापा रहते हैं वो बस वहाँ से खड़े होकर देख रहे रहते हैं। थोड़ी देर में अवनी के बाजू में आकर उसके पापा खड़े होते हैं और पूछते हैं, क्या हो गया है अवनी? तो अवनी अपने पापा के शोल्डर पर सर रखते हुए बोलती है कि पापा, वो आपको तो पता है मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो उसके पापा उसके मतलब उसके सर को टैप करते हैं अपने हाथ से और बोलते हैं, आई नो बच्चा, तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था ना, मतलब तो ये सोसाइटी इतनी बड़ी नहीं थी, लाइक पीपल्स आर डोंट केयर, लाइक मतलब केयरिंग थे बट क्या होता था, पल पल की केयरिंग नहीं रखते थे, लाइक उस समय सोशल मीडियाज नहीं हुआ करते थे बच्चा, और ना ही यू नो हम फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट कर पाते थे फ़ोन कॉल्स पे वगैरह, तो पता है किसी से भी बात करने के लिए चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, और वो चिट्ठी पहुँचते पहुँचते तो शायद ऊपर वाला ही पहुँच जाए या फिर बहुत लेट हो जाते थे। तो इस तरीके से ना कम्युनिकेशन थोड़ा गैप भी होता था, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, लेकिन आज के ज़माने में बेटा इतना फास्ट हो गया है ज़माना कि अगर आज आपने एक मैसेज भेजा और सामने वाले ने वो मैसेज सीन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर देख लिया तो देखकर क्यों नहीं रिप्लाई किया वो अलग बात। तो चीज़ें हो गई है, और इस सोसाइटी में तुम अब रहती हो तो थोड़ा तो बेटा आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अवनी अपने पापा की तरफ देख के बोलती, पापा चेंज क्या होना है, बस इच्छा नहीं होती हर किसी से बात करने की। अवनी के पापा कहते हैं, बेटा इच्छा हो या ना हो थोड़ा बेटा तो ट्राई करना पड़ेगा, अब आप इस सोसाइटी के हो, मेरे जैसे पुराने ज़माने के नहीं हो कि जैसे भी बिहेव करोगे चलेगा, पर यहाँ ऐसा नहीं चलता है। काश पापा मैं सोसाइटी की होती, इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर होती, अवनी कहती है। तभी जो पापा और बेटी की अच्छी खासी बाउंडिंग चल रही रहती है, दोनों बहुत अच्छे से मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, तभी वहाँ पर जो जो मिसेस सक्सेना होती हैं वो एकदम से बोलती हैं कि अवनी का क्या सोचा है आपने? तो कहती है, क्या मतलब, मैं समझी नहीं, मतलब अवनी की मम्मी कहती हैं।
तभी मिसेस अक्षाना कहते हैं कि मतलब देखो लड़की तो अच्छी बड़ी हो गई है, बहुत पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी है, होनार है हर चीज़ के लिए, कोई लड़का वगैरह दिखा है आपने इसकी शादी करने के लिए? तो वहाँ से अपनी की मम्मी कहती हैं कि अरे नहीं बेटा नहीं, अभी तक तो कुछ देखा नहीं है, एक्चुअली मैंने उससे पूछा था बट वो कुछ जवाब ही नहीं देती है, और वो कहती है कि मम्मा मुझे थोड़ा सा करियर पे फोकस करना है इसके चीज़ के लिए, तो इसलिए अभी सोचा ही नहीं है और ना अभी उसका कुछ मन है करने का। तो मिसेस सक्सेना कहती हैं कि हाँ बच्चे लोग तो अक्सर आजकल यही कहते रहते हैं कि नहीं करना है, बट उम्र के हिसाब से माँ बाप को भी तो थोड़ा लेना पड़ता है, देखते हैं पर अगर अच्छा लड़का कोई मिले तो करवा दीजिएगा। तो कहते हैं हाँ पर उसको भी पसंद आना चाहिए ना, कहते आ जाएगा। तभी वहाँ से एक लड़की कार में रहती है और वहाँ से वो हॉर्न बजा दी रहती है पीप 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 करके, और तो वहाँ से जो मिसेस सक्सेना एकदम से टर्न होकर देखती हैं तो कार में एक लड़की बैठी रहती है और बार बार वो बोल रही रहती है और हॉर्न बजा के बोलती कि फ़ोन उठाओ फ़ोन उठाओ। तो मिसेस सक्सेना जो इधर रहती है अपने अपना जो पर्स होता है उसमें से फ़ोन उठा के बोलती है, कहती है मॉम कितनी देर लगाओगी आप, मैं पूरा घूम कर आ गई हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी चलो मैं आपको पिकअप करना है, मुझे बहुत सारे काम है, आई डोंट हैव अ फ्री टाइम मॉम, मेरे को ना मेरा प्रोजेक्ट्स है, मुझे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहाँ पर लगे हुए हो, आपको पता है ना मुझे कितना सारा काम रहता है और आप फिर भी मुझे इतना क्यों परेशान करते हो। जब हॉर्न बज रही थी तब अवनी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है और अवनी भी टर्न होके वो कार की तरफ देखती है, कार में उसे पता तो रहता है कि ए देर इज़ अ सम गर्ल वो बैठी है, पर उसका फेस क्लियरली कौन लड़की है क्या करती है वो कुछ भी नहीं दिखता है। और तभी मिसेस सक्सेना कहती हैं कि अच्छा सुनिए मैं चलती हूँ भाई भाई साहब, चलिए हम निकलते हैं फिर आपसे मिलेंगे कभी और। तो उसके पापा कहते हैं आइएगा, वो बोलती है अवनी बेटा, तब वो अवनी बोलते हैं कि नमस्ते आंटी आइएगा ज़रूर, तो कहती हैं हाँ जी। तो अवनी जो मिसेस सक्सेना रहती है वो वहाँ से चली जाती हैं वहाँ पर कार में बैठ के और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे ही मिसेस सक्सेना जब कार में बैठती हैं तो वो उस लड़की की तरफ देखती हैं और कहती हैं नैना हद हो गई है तुम्हारी, आज भी तुम्हारा बचपना गया नहीं है क्या, मतलब क्या हरकतें हैं, तुम इतनी बड़ी हो गई हो तब भी ये बचपना हरकतें कर रही हो, हॉर्न बजा रही हो, किसी की पार्टी को डिस्टर्ब कर रही हो, यही मैनर्स सिखाए हैं मैंने तुम्हें? तभी नैना कहती है मॉम मैनर्स ओ मीन्स लाइक हॉर्न बजाना इट्स बैड मैनर्स, आई डोंट थिंक सो, वैसे एक बात बता दूँ इतनी बार कॉल कर रही थी आप कौन सा कॉल उठा रहे थे, और आपको दिखता नहीं है क्या मुझे लेट हो रहा है, मॉम लेट लेट इट बी, जस्ट थोड़ा समझा करो, मेरे पास भी फालतू का टाइम नहीं रहता है, मैं भी बिजी रहती हूँ। और शायद उस पार्टी में जितने लोग आए थे वो काफ़ी फुकट थे, उनके पास कुछ काम धंधा नहीं था, लेकिन मेरे पास है और मुझे आपको पिकअप करके घर छोड़ना है, फिर यहाँ से मुझे अनु के पास जाना है, अनु के पास जाके मुझे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, और आप शायद भूल गई हो कि आपकी बेटी एक साइकोलॉजिस्ट है तो उसकी पढ़ाई के लिए उसे काफ़ी काफ़ी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो मुझे सच बोलूँ कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, सो प्लीज़ मॉम ये पार्टीज वार्टीज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कोई भी पार्टी अटेंड करना जहाँ पे झूठी मुस्कुराहट बनाकर हाथ में वाइन लेकर इधर उधर लोगों से मिलते हैं और वाइन को टोस्ट करते हुए झूठी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं ओ एवरीथिंग इज़ ओके हाँ जी ओके, अंदर सबके तूफान मचरा रहता है बट सब झूठा नकाब पहन के बैठे रहते हैं, ये सब मुझे पसंद नहीं है और ये सब चीज़ें मेरी भी कप ऑफ टी बिल्कुल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब बात करो तो दिल से करो, दिल से तक बात पहुंचनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अवनी की भी यही सोच रहती है कि उसे भी ऐसी झूठी मुस्कुराहट रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है, वो भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है उसे कि वो वहाँ पार्टी में रह के सबके साथ ही हु करे जबकि एक्चुअल में वो अंदर से खुशी नहीं है। अवनी और नैना की सोच काफ़ी मैच होती थी। फिर अवनी जो है वो अपने पापा को बाय कह के उन्हें हक करके और तभी जा रही रहती है, तभी उसके पापा कहते हैं बेटा मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, तो अवनी बोलती है पापा एक गिफ्ट तो बहुत दिल को पसंद आया था,
और काफ़ी अच्छा था, शायद आपको भी वो काफ़ी पसंद आता, क्योंकि आप तो मेरे डैड हो, आप मेरी फीलिंग्स और मेरी सोच को समझ सकते हो। बट उसके अलावा भी एक ऐसी लड़की थी जिसको ना वो अच्छा लग गया और उसने वो चीज़ पहले परचेज कर ली। मतलब बहुत रेयरली होता है कि मेरी बेटी को कोई चीज़ पसंद आई और दूसरे को भी वो चीज़ पसंद आ गई। तो कहती है कि हाँ सच्ची में पापा उसको पसंद आ गई, वरना वो गिफ्ट आपका बेस्ट गिफ्ट होता, लेकिन एक्चुअल में वो मिला नहीं मुझे डा पापा, तो इसलिए ना ये छोटा सा गिफ्ट है, आई थिंक ये भी आपको अच्छा लगे। तो एक वो छोटी सी रहता है वो भी मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, फाइन आर्ट वाली रहती है, पत्थर के ऊपर बहुत कुछ फाइन आर्ट किया रहता है, वो उसके ऊपर रहती है। तो उसके पापा कहते हैं ये भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो क्या था, कहते पापा वो बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा था, आई हैव अ फोटो ऑफ इट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कहते अरे बेटा ये तो बहुत सुंदर था, अगर मुझे मिलता ना मैं इसे काफ़ी अच्छे से रखता। कहते एग्जैक्टली पापा, बट वो लड़की को पसंद आ गया था। तो पापा पूछते वो लड़की की भी सोच तुम्हारे जैसी थी? कहती मैनेजर तो यही बोल रहा था पापा, बट नहीं पता मुझे, लेकिन वो बहुत बकबक करती है, बहुत बहुत टॉकेटिव है, मेरे पास आके इतनी बकबक कर रही थी, ये वो हर चीज़। और पापा आपको तो पता है मैं शांत ही पसंद हूँ, मुझे इतने टॉकेटिव लोग्स पसंद नहीं है। तो मतलब सोच तुम्हारी जैसी थी बट नेचर तुम्हारे जैसा नहीं था, कह सकते हैं पापा, बट क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर रोहित मुझे कह रहा था पापा कि अगर ये लड़का होता तो इसी से तेरी शादी करा देता मैं, कम से कम दो लोगों की सोच तो एक साथ मिलती। तभी उसके पापा मुस्कुराते बोलते ये बात भी सही बोली रोहित ने, इस बात पे तो मैं रोहित के साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह सोचने वाला वो भी इस मॉडर्न सोसाइटी पे और 21st सेंचुरी में मिलना आसान नहीं है बेटा। तो उसके पापा जैसे ही अपनी बोलते पापा आप भी मुझे ऐसे ऑकवर्ड फील मत कराओ, अच्छा मैं जा रही हूँ मुझे थोड़ा सा स्टडीज़ करनी है। तो कहती है अभी भी? तो कहती हाँ एक केस है जिसके बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना है, ऑटिज़म आपने सुना है ना पापा? तो कहते हैं हाँ बस उसी का केस है, एंड आई विश कि मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूँ और उस बच्चे के लिए कुछ न्यू चीज़ कर सकूँ। ऑटिज़म में बच्चा कैसे फील करता है, क्या होता है, थोड़ा रिसर्च करना है, तो मैं जाती हूँ। तो वो कहते हैं ओके ठीक है जैसा आपको लगे जाओ बेटा। तो अवनी क्या करती है, वो वहाँ से चली जाती है, वो जाती है अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो ऑटिज़म्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ने लगती है। यहाँ पर जो अनु रहती है, यहाँ पर जो नैना रहती है, वो आंटी को घर पे छोड़ती है और डायरेक्ट अपनी कार उठा के अनु के वहाँ चली जाती है। अनु के वहाँ जाती है तो वो भी अनु के साथ असाइनमेंट्स, रिसर्च, ये सब करने में लग जाते हैं। दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुके रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो नैना के पास फ़ोन आता है और नैना स्टे करती है अनु के घर पर, तो नैना के पास जैसे ही फ़ोन आता है तो वो उठ के बोलती कौन, तो वो बोलती है उसकी मम्मी चिल्लाती कि कहाँ हो तुम, घर पे भी नहीं आई। तो अरे मॉम वो ना बॉयफ्रेंड के साथ ना रात को ना बहुत कुछ किया ना मैंने, इसलिए मैं थक गई हूँ, बाद में बात करते हैं उस, और वो फ़ोन कट कर देती है। तभी उसकी मम्मी कहती है एक तो नालायक बेटी पैदा करी है मैंने जो हमेशा से नालायक तरीके से बात करती है, इसको इसको सो इसकी कोई अगर बात सुन ले ना तो बेहोश हो जाए, ये पूरी पागल है। फिर उसे फ़ोन करते हैं और फिर फ़ोन करके बोलती तुम्हारा भाई आ रहा है तुम्हें लेने जाना है कि, ओ भैया आ रहे हैं, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है मैं रेडी होती हूँ। और यहाँ पर जो नैना रहती है उसके बाजू में अनुसुई रहती है, तो वो नैना ना अपनी लात से अनु को मारती है और कहती है उठ जल्दी मोटी चलना है जल्दी से। तो कहती है क्या है मुझे क्यों उठा रही है, एक तो रात भर तू मेरे को इतना पढ़ाती रहती है सोने भी नहीं देती है, मैं नहीं जा रही कहीं पर। तो कहती है उठ जा जल्दी से हमें भैया को लेने जाना है, भैया आ रहे हैं। तो कहती है तो तेरे भैया आ रहे हैं ना, मेरे थोड़ी ना आ रहे हैं, और वैसे भी मैंने तेरे भाई को तभी भैया की नज़रों से नहीं देखा। तो अनु बोलती है अच्छा ठीक है तो तेरे सैया आ रहे हैं, अब उठ जा जल्दी से मोटी जल्दी चल, भैया की फ्लाइट है लेट हो जाएंगे, कार भी मेरे पास है वरना मम्मी चिल्लाएगी जल्दी उठ। कहती है अरे उठ रही हूँ ना, एक तो ना उठने भी नहीं देती है। फिर ये दोनों जाते हैं, फ्रेश होते हैं
और फ्रेश होने के बाद कार में फटाफट बैठते हैं और स्पीड से कार को मतलब उड़ाते हुए लेके जाते हैं। वहां पर जाते हैं, फिर बहुत देर तक वेट करते हैं। फिर वहां पर एक लड़का, बहुत हैंडसम सा लड़का, जो काफी उसकी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग रहती है, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी रहती है, वो लड़का वहां पर आता है। और वो बहुत सुंदर सा दिख रहा रहता है, उसने ब्लेजर पहना रहता है, अंदर टी शर्ट पहनी रहती है, उसके ऊपर एक ब्लेजर पहना रहता है, और बहुत फॉर्मल जो पैंट होती है वो पहनी रहती है, हाथ में बहुत स्टाइलिश वॉच वॉच पहनी रहती है, बाल उसके बहुत स्टाइलिश वे में रहते हैं, और वो बहुत क्यूट प्लस हैंडसम। और उसकी जो बियर्ड रहती है वो इतनी सेक्सी रहती है, और उसकी बियर्ड की जो जॉ लाइंस कटिंग रहती है वो काफ़ी होता है, उसको देख के तो कोई भी फ्लैट हो जाए। तभी वहाँ पे अनु कहती है, ओह माय गॉड, नैना नैना। तो कहती, क्या? तेरा भाई देखना कितना हॉट लग रहा है, मेरी तो जान जा रही है तेरे भाई को देखकर। यार तेरे भाई जब गया था यहाँ से तो इतना हॉट नहीं था, पर तब भी मुझे पसंद था, बट आज तो यार ये कातिलाना लग रहा है। तेरे भाई को बोलना एक बार बस मेरे साथ डेट पे चल ले प्लीज नैना। तभी नैना से तरफ बोलती, भैया है मेरे चुप कर, ये जो अपनी आशिकी का भूत है ना, ये किसी और पे दिखाना तू। तो कहती, कैसे कर रही है यार तू मेरे साथ, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है किसी की फीलिंग्स की तुझे। हाँ माना तेरी दोस्त हूँ, बट इतना मत कर, पर तेरी दोस्त के अलावा एक लड़की भी तो हूँ, देखना कितना हॉट है यार। तो कहती है, तभी उसके जो भैया हैं वो वहां से आते हैं और उसे बोलते हैं, नैना काफी जल्दी आ गई आप। तो कहते हैं, भैया आप भी ना इतनी स्पीड में गाड़ी चला के ऑन द टाइम तो लेने आई हूँ। एक्चुअली मैं वेटिंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे पता था कि मेरी जो छोटी सी लिटिल सिस्टर है ना, उसे आने में 10 से 15 मिनट तो लगेंगे। तो कहती, सॉरी भैया, वो मैं थोड़ा लेट हो गई। नाउ गिव मी की, राइट मैं करूँगी। तो कहते, पक्का भैया? तो यहाँ की जो रूल्स रेगुलेशन आपको पता है ना, ये यूएसए की तरह नहीं है, सब सिस्टमेटिकली, यहाँ पे कोई भी कहीं से भी घुसता है। तो कहते, अच्छा तो अब आप मुझे सिखाएंगी, जबकि आपको पता होना चाहिए कि आपको गाड़ी मैंने ही चलाना सिखाई है। कहते, हाँ भैया, लेकिन यूएसए में रह रह के आप थोड़ा सा, हाँ, पर मैं अपनी संस्कृति और अपने संस्कार प्लस अपना कल्चर कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं, अब मुझे की दोगी आप? तो अनु हाथ से की लेके बोलते कि लीजिए ना भैया, आप गाड़ी चलाइए, लीजिए ना आप गाड़ी चलाइए, मैं आपके बाजू बैठती हूँ। तो तभी अनु ऐसे जब देख रही रहती है तो उसके भैया बोलते हैं, हाँ ठीक है। फिर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर गाड़ी का गेट ओपन होता है, नैना फ्रंट पे बैठने वाली रहती है, लेकिन उसे अनु बोलती, तू पीछे बैठ पीछे बैठ। तो नैना को तो कोई इतना फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके भैया कभी भी अनु में कोई इंटरेस्ट दिखाएंगे भी नहीं और ना कभी कुछ ऐसा होगा। फिर जो गाड़ी की स्पीड होती है वो अच्छे जोरों शोरों से चलने लगती है और उसके भैया करीब 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं घर पर। जैसे घर पर जाते हैं उनका वेलकम सब कर रहे रहते हैं, सबके सब बहुत इंतज़ार कर रहे रहते हैं और बहुत प्यारा सा एटमॉस्फेयर होता है। सब यू नो एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट। जो नैना रहती है, नैना के घर में दादा दादी रहते हैं, मम्मी पापा प्लस एक भाई, और एक छोटा भाई भी रहता है नैना का। जो छोटा भाई रहता है वो 18 ईयर्स का रहता है, 12th स्टैंडर्ड में रहता है। तो वो भी आके भैया को हक करके बोलता है, भैया कितना टाइम हो गया, मेरे लिए गैजेट्स लेकर आए कि नहीं? यूएसए के गैजेट्स के लिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अस सो मच, भैया मेरे लिए गैजेट लाए हो? तो उसके भैया हंसते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स बच्चा, चलो अभी चलते हैं अंदर। और वो काफ़ी हैंडसम होता है। नैना नैना और अनु एक दूसरे को तरफ देख के बोलते हैं, हमें हमें चलना चाहिए। तो तभी वो लोग जा रहे रहते हैं, तभी उसकी मम्मी चिल्ला के बोलती है, नैना। तो नैना टर्न होके बोलते हैं, हाँ जी मम्मा। तो कहते, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तो वो कहती है, मॉम
भैया तो आ गए हैं और भैया की वेलकम पार्टी भी शाम को है, तो फिलहाल मुझे जाना चाहिए। तो कहती, कहाँ जाना है तुम्हें? फिर तुम्हारा यही नाटक, कहाँ जाना है तुम्हें? तो कहती है, मॉम मेरा सेमिनार है, आपको शायद से पता होना चाहिए कि हमें सेमिनार भी अटेंड करने रहते हैं, सो मुझे सेमिनार के लिए जाना है और मेरा सेमिनार में जाना ज़्यादा ज़रूरी है बाकी चीज़ों से, तो आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं सेमिनार की तरफ चली जाऊँ? कहती, मैं ना, मैं कितनी बार बोला है जब भैया आया करे तो थोड़ा तो एडजस्ट कर लिया करो। तो कहती है, अरे भैया सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं आया है मॉम, अब वो हमारे साथ ही स्टे करेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अगर ये सेमिनार अटेंड नहीं किया तो मुझे लॉस हो जाएगा एंड आई हैव टू गो फॉर इट। तो यहाँ से नैना और अनु फटाफट अपनी कार पे बैठते हैं और अनु के घर जाते, क्योंकि अनु के घर जाके उनकी बुक्स वगैरह चीज़ें रहती हैं, सब कुछ रहता है, सेमिनार्स की टिकट्स रहती हैं, वो सब पिकअप करते हैं। अब सेमिनार रहता है, ये साइकोलॉजिस्ट के ऊपर सेमिनार दिया जाता है, वहाँ के एक बेस्ट से बेस्ट प्रोफेसर्स आते हैं जो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, कुछ ऐसे रेयर केसेस जो होते हैं जिसका कभी एक किताब में भी सलूशन नहीं मिल पाता है, वो सब अपनी चीज़ों को वहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया था। तो जब सेमिनार की एंट्री हो रही रहती है तो वहाँ पर ये लोग जाते हैं, तो ये लोग बहुत लेट हो जाते हैं, नैना और अनु बार बार उसको बोलती कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, प्लीज़ 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 जाने दो, हम लेट हो गए। पर वो लोग उसको रोक कर बोलते कि नो, यू आर नॉट अलाउड, सेमिनार स्टार्ट हो चुका है, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो, हमारे फ्रेंड्स अंदर बैठे हुए हैं, बस हम ना थोड़ा सा बाहर पानी पीने गए थे, ये सब चीज़ करने के लिए गए थे, थोड़ा सा अर्जेंसी कॉल आ गया था, हम उसके लिए गए थे, प्लीज़ हमें अंदर जाने दो, हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं। तो तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो कहता है, ओ आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, तो एक काम करिए, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोल दीजिए, अगर वो आकर आपको बता देते हैं तो। तभी अनु बोलती, एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आता आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास टिकट्स हैं, हमारे पास एवरीथिंग है, हमें अंदर जाने में भी प्रॉब्लम है। तो कहता है, तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मैम पंचुअलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, यहाँ का रूल है, एक बार जब गेट्स लॉक हो गए तो लॉक हो गए, उसके बाद कुछ नहीं होता। तभी अनु और नैना एक दूसरे का चेहरा देख के बोलते, छोड़ सेमिनार गया भैया के चक्कर में, अच्छा खासा ये सेमिनार अटेंड कर सकते थे, पता है ये सेमिनार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, बट कुछ नहीं। तभी नैना बोलती है, यार कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा यार, बिना जुगाड़ के तो लाइफ ही नहीं है। तो वो इधर उधर देख रही रहती है, तभी उसे एक लड़की दिखती है और वो लड़की भी बहुत मतलब खूबसूरत, पर्सनैलिटी ऑसम दिखती है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है, वो लड़की दिख रही है, वो मेरी दोस्त है, उसको बुलाओ, वो मेरी दोस्त है, अरे उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, आप उसको बुलाओ और मैं उसके साथ हूँ, आप उसको बुलाओ, प्लीज़ प्लीज़ उसको बुलाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, इधर आइए। तो जो वहाँ से वो लड़की टर्न होती है और आके बोलती है, और वो रहती है अवनी। अवनी एकदम से बोलती है सिक्योरिटी गार्ड से, यस व्हाट हैपेंड? तो कहते हैं, मैम ये आपके साथ आपके दोस्त लोग हैं। तो वो देखती है, कहती है, तभी नैना बोलती है, प्लीज़ हमें अंदर आना, प्लीज़ प्लीज़, वो इशारों से कह रही थी। तभी अवनी बोलती है, यस दे आर माई फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो गए थे आने के लिए, कैन यू जस्ट ओपन द गेट फॉर दैम? तो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, यस मैम श्योर। फिर गेट ओपन होता है और अवनी वहाँ से टर्न होकर चली जाती है, नैना जल्दी अंदर जाती है, अवनी को थैंक यू बोलना रहता है, लेकिन जो अवनी की सीट होती है वो बहुत आगे की साइड रहती है, अवनी की मतलब टॉप सीट रहती है, और ये लोग लेट हो चुके रहते हैं तो इनके पास ऑप्शन नहीं रहता, इनको बैक सीट्स पे जाकर बैठना रहता है। अवनी बहुत कोशिश करती है, नैना बहुत कोशिश करती है कि वो अवनी से बात कर सके, तभी वो कहती है कि यार पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो कहती, ये तो वही लड़की है ना जो हमें वहाँ पर गिफ्ट शॉप पे मिली थी? तो कहती, हाँ लकी तो वही लड़की है जो गिफ्ट शॉप पे मिली थी, तो बट शी हेल्प्ड अस। तो कहती, यस मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए, नैना कहती है। तो कहती, हाँ बट वो बहुत आगे बैठी, चल अभी सेमिनार स्टार्ट हो रहा है, चल चल जल्दी बैठते हैं। फिर ये लोग वहाँ पहुँच जाती, अवनी अपने सेमिनार में बहुत कॉन्सेंट्रेट से कर रही रहती है,
पहले तो नैना का कंसंट्रेट लग नहीं रहा रहता है, उसे तो एक्चुअल में अवनी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना रहता है, पर तभी अनु उसे पिंच करके बोलती है थैंक यू बाद में बोल देना, जिसके लिए इतनी माजा मारी करी है, मगज मारी करी है, उसके इस चीज़ पे भी तो कंसंट्रेट कर ले। फिर यहाँ से नैना भी कंसंट्रेट करने लगती है। सो फ्रेंड्स, आगे क्या होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।